निगरान हुकूमत में तैयार करदा 9 मई की रिपोर्ट में न सिर्फ फौजी तनसिबात पर हमलों के वाक़ात में इमरान खान के किरदार पर तवज्जो मरकूज की गई, बल्कि रिपोर्ट इस बात की अक्कासी भी करती है कि किस तरह पीटीआई के दर्जनों रहनुमाओं ने मुबैना तौर पर तशद्दुद को हवा दी और इसमें हिस्सा लिया, जिसका मुल्क ने अपनी तारीख में पहले कभी मुशाहदा नहीं किया था। मौजूदा काबीना के रूबरू चंद रोज़ कबल पेश करदा इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि मुजाहरे 300 से ज्यादा मकामात पर शुरू हुए, साथ ही मुफसिल अंदाज से बताया गया उस दिन किसने क्या किया। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई रहनुमाओं ने फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर उनकी हिरासत से मुतालिक झूठ फैलाने और लोगों को तशद्दुद की तरगीब दी। बड़े पैमाने पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान खान पर तशद्दुद किया जा रहा है और उनके कत्ल का इम्कान है। इस हवाले से जो जुबान इस्तेमाल की गई वो इंतहाई सनसनीखेज और इश्तियाल अंगेज थी और इससे पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की हौसला अफजाई की झलक भी नजर आती है। रिपोर्ट के मुताबिक उस रोज पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से कहे जाने वाले झूठ और तशद्दुद की तरगीब की कुछ मिसालें ये हैं। हमाद अजहर ने दोपहर 2:37 पर ट्वीट में इल्जाम आयद किया कि इमरान खान पर तशद्दुद किया जा रहा है। जरताज गुल ने 3:10 पर खदशा जाहिर किया इमरान खान को हिरासत में कत्ल कर दिया जाएगा। मुराद सईद ने बलतरतीब 2:37, 2:44 और 4:20 पर ट्वीट में पार्टी कारकुनों को मुख्तलिफ मकामात पर जमा होने के लिए कहा और उन्हें हिदायत दी कि वो इमरान खान पर तशद्दुद न होने दें और जो लोग खुद को ताकतवर समझते हैं उनके लिए ज़मीन को जहन्नम बना दें। फरूख हबीब ने 4:51 पर ट्वीट में लोगों से कहा कि वो अपनी जान कुर्बान कर दें लेकिन इमरान खान पर तशद्दुद ना होने दें। अली अमीन गंडापुर ने शाम 5:12 पर ट्वीट में कारकुनों से कहा, अभी या फिर कभी नहीं, अपनी जानों से खान की हिफाजत करें। अली जैदी ने 4:23 पर ट्वीट की कि पार्टी कारकुन सिंध को बंद कर दें। अनम शेख, शानदाना गुलजार खान, कंवर शौजब ने अपनी ट्वीट में लोगों के GHQ रावलपिंडी के मकाम पर एहतजाज के लिए कहा। सेनेटर एजाज चौधरी ने 2:28 पर ट्वीट में पार्टी कारकुनों से पूरा मुल्क बंद करने की अपील की। फैसल जावेद ने 2:48 पर ट्वीट में कहा कि इमरान खान पर तशद्दुद हो रहा है। शहरयार अफरीदी ने 3:36 पर ट्वीट में कहा, जिन गद्दारों ने खान को गिरफ्तार किया उन्होंने कौम पर हमला किया। उमर मलिक ने 3:55 पर वीडियो पैगाम में ट्वीट किया कि अवाम कोर कमांडर लाहौर की रिहायशगाह की जाने मार्च करें। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी के फौरन बाद पीटीआई के सोशल मीडिया कारकुनों ने मुहिम चलाते हुए ऐसे ट्विटर ट्रेंड शुरू किए जो तशद्दुद की हौसला अफजाई करते और लोगों को GHQ पर हमले की तरगीब देते थे। जो ट्विटर ट्रेंड शुरू किए गए वो ये थे, गो टू GHQ, निकलो GHQ की तरफ, खान और रेड लाइन। इन ट्विटर ट्रेंड्स की मदद से मुनज़्ज़म अंदाज से झूठ और गलत मालूमात फैलाई गई, तशद्दुद भड़काने में अहम किरदार अदा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी के फौरन बाद कुछ गैर मुल्की व्लॉगर्स ने वीडियो पैगाम अपलोड किए जिनमें तशद्दुद के बेबुनियाद इल्जाम आयद किए गए, लोगों को रियासती इदारों पर हमले की तरगीब दी। उनमें से बहुत से ब्लॉगर्स ने आम लोगों को फौजी तनसिबात पर हमले के लिए उकसाया। सबसे खतरनाक बात यह कि उन्होंने मुसल्ह अफवाज में बगावत को हवा देने की कोशिश की, अफसरान और जवानों को अपनी कमान के खिलाफ बगावत पर आमादा करने के लिए उकसाया। इन ब्लॉगर्स में आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत खान, मोईन पीरजादा, शाहीन सोहबाई शामिल हैं। आदिल राजा, हैदर मेहदी ने फौजी अफसरान को बगावत की तरकीब दी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि किन शहरों में होने वाले मुजाहरों ने कैसे पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार। लाहौर में एहतजाज तकरीबन 3 बजे शुरू हुआ, जब लोग लिबर्टी चौक पर जमा होना शुरू हुए। तकरीबन 4 बजे डॉक्टर यास्मीन राशिद लिबर्टी चौक पहुंची और मुजाहरीन कोर कमांडर रिहायशगाह की तरफ बढ़ने लगे। शाम 6 बजे तक मुजाहरीन जना हाउस में दाखिल हुए। मुकम्मल तोड़फोड़ के बाद उसे नजर आतिश किया गया। मुजाहरीन ने करीबी मेस ऑफिस और CSD पर भी हमला किया। तोड़फोड़ की रात 10 बजे तक यूं ही हुजूम मेन बुलेवार्ड तक पहुंचा, जहां अस्करी टावर और अस्करी बैंक को नजर आतिश किया गया। मुजाहरीन के ग्रुप ने H180 मॉडल टाउन में नून लीग के सेक्रेटरियट पर भी हमला किया। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुजाहरीन के दरमियान मुसलसल झड़पें होती रही। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदाजे के मुताबिक लाहौर में मुजाहरीन की कुल तादाद 2000 के करीब थी और इन लोगों ने मुजाहरीन की क्यादत की, उन्हें उकसाया। जुबैर न्याजी, उमर चीमा, हमाद अजहर, एजाज चौधरी, हसन न्याजी, आशा इकबाल, आलिया हमजा, मुनज़्ज़ा हसन, मुसरत चीमा, अलीमा खान, नौशीन हामिद शामिल हैं। रावलपिंडी में शाम 5 बजे तक मुजाहरीन लियाकत बाग में जमा हो चुके थे। 5 बजे से 6 बजे के दरमियान सोशल मीडिया पर पीटीआई रहनुमाओं के मुतअद्दिद ऑडियो बयान सामने आए जिनमें मुजाहरीन पर जोर दिया गया कि वो GHQ चले जाएं। 6 बजे तक हुजूम GHQ पहुंच चुका था। हुजूम ने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली। GHQ के बाहर एक मुजस्मा और इस्तकबालिये में शीशे का दरवाजा तोड़ दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने GHQ में दाखिल होने वाले हुजूम को पसपा कर दिया। ताहम हुजूम ने मिलिट्री हिस्ट्री म्यूजियम और आर्मी सिग्नल मेस में तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों को भी नजर आतिश किया। इसी दौरान एक ग्रोह ने हमजा कैंप पर हमला किया, इमारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। रात 10 बजे तक हुजूम ने आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट प्लाजा पर हमला किया, दाखिली दरवाजे को आग लगा
بعد ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں اور مظاہرین کے درمیان کئی گھنٹوں تک جھڑپ ہوئی، جس میں کئی اہلکار زخمی ہوئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اطلاع کے مطابق مندرجہ ذیل لوگوں نے مظاہرین کی قیادت کی، انہیں اکسایا۔ صداقت عباسی، قمر شوزہ، واسق قیوم، عمر بٹ، جہانگیر بٹ، راجہ عثمان، عاطف قریشی، مسلم خان، ذیشان ممتاز، کیسر خان، ذکی بٹ، ملک عابد، سمابیہ طاہر، آصف محمود، طیبہ ابراہیم، شبانہ فیض، اظہر میر، حسیب نقوی شامل تھے۔ گوجرانوالہ میں شام 7:40 تک تقریباً 100 مظاہرین کے گروہ نے گوجرانوالہ کینٹ میں داخلے کی کوشش کی، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انہیں پسپا کر دیا۔ مظاہرین نے حملے جاری رکھے، بالآخر رہوالی گیٹ اور مرکزی استقبالیہ کو تباہ کیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رپورٹ کے مطابق مندرجہ ذیل افراد مظاہرین کی قیادت کر رہے تھے۔ جمال چیما، باو اکرم، شبیر مہر، علی اشرف مغل، مہر ام صادق، رضوان بٹ، عمر اشرف، انصار بٹ، نجد شرازی، رانا زکا اللہ اور اسد اللہ پپا۔ میاں والی میں شام 5 کے قریب پی ٹی آئی کے 1000 کارکنوں نے ایم ایم عالم اے بیس میاں والی پر حملہ کیا۔ اس گروپ کی قیادت پی ٹی آئی کے سابق رکن پارلیمنٹ امجد علی خان اور ملک احمد خان کر رہے تھے۔ مظاہرین نے 4 کو نقصان پہنچایا، اے بیس کے مرکزی داخلی دروازے کو توڑ دیا، ایک ماڈل طیارے کو آگ لگا دی۔ ہجوم کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پسپا کیا۔ پھر اسی ہجوم نے پولیس سروس مرکز، جوڈیشل کمپلیکس اور تجارتی اداروں بشمول نیشنل بینک، پنجاب بینک، جنرل پوسٹ آفس پر حملہ کیا، انہیں نقصان پہنچایا، کئی دکانیں لوٹ لیں، گاڑیوں کو نظر آتش کیا۔ اگلے دن انہی دو افراد کی قیادت میں گروہ نے میاں والی بنو سڑک بند کر دی۔ پولیس تھانہ کمار مشانی پر حملے اور نقصان پہنچانے سے قبل کئی گاڑیوں پر حملہ کیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رپورٹ کے مطابق مندرجہ ذیل لوگوں نے مظاہرین کی قیادت کی اور اکسایا۔ امجد علی خان، ملک احمد خان، سلیم گل خان، امیر خان سوانسی، عالم خان اور امین اللہ خان۔ اسلام آباد میں 10 کو تقریباً سپہر 3 خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کارکنوں کا 1000 افراد پر مشتمل ایک گروپ اسلام آباد پہنچا اور ایس ایس پی آفس انڈسٹریل ایریا پر حملہ کر کے اسے آگ لگا دی۔ اس کے بعد انہوں نے رمنا پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا۔ ہجوم نے کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ اس ہجوم کی قیادت شہریار آفریدی، خالد وزیر، عامر مغل، جہانگیر، وجاہت سمیع، خالد خان، راجہ شاہد نواز کر رہے تھے۔ ملتان میں شام 6 کے قریب پی ٹی آئی کے کارکن سی ایم ایچ چوک پر جمع ہوئے۔ 7 تک یہ تعداد تقریباً 1000 تک بڑھ چکی تھی۔ ہجوم نے فوجی بھرتی مرکز، آرمی چیک پوسٹ، نیشنل بینک سمیت قرب و جوال کی عمارتوں پر حملہ کر کے نقصان پہنچایا۔ ہجوم کو متحرک اور قیادت کرنے والوں میں ملک عامر ڈوگر، سلیم اختر لابر، ندیم قریشی، خالد جاوید وڑائج، خرم لیاقت، زین قریشی شامل تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا، کمیٹی کو اس بات کی نشاندہی پر گہرا افسوس ہوا ہے کہ اس قدر نقصان پہنچانے کے باوجود عمران خان کو کوئی پچھتاوا نہیں، اور ابتدائی طور پر یہ کہتے ہوئے الزام کو مسترد کیا کہ یہ تو ہونا ہی تھا، جب تک الزامات ختم نہیں کیے جاتے اس وقت تک ایسا دوبارہ ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے 9 مئی 2023 کے واقعات کی ذمہ داری کبھی قبول نہیں کی، اور نہ اپنے یا پارٹی رہنما اور کارکنوں کے کردار پر پشیمانی کا اظہار کیا۔ تاہم کئی روز بعد انہوں نے تشدد کی مذمت کی، لیکن اس کا قصوروار آئی ایس آئی کو قرار دی۔